हाथ की कढ़ाई वाले बाजू, हाथ की कढ़ाई वाले गले, हाथ की कढ़ाई वाले दामन डिजाइन, हाथ की कढ़ाई वाले दुपट्टे और चादर के डिजाइन, हाथ की कढ़ाई वाली जीन्स। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना, हाथ की कढ़ाई वाली जीन्स। अस्सलाम वालेकुम माय वाईटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। मैं हूँ हलीमा खान और आप देख रहे हैं हलीमा लाइफस्टाइल। तो आज हलीमा खान आपके लिए लेकर आई है हाथ की कढ़ाई वाली जीन्स के डिज़ाइन, जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही स्टाइलिश वीडियो है। और जी बिल्कुल यूनिक से स्टाइल के आइडियाज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और हाथ की कढ़ाई भी बहुत सिंपल है और इजी से बन जाती है। तो आप अगर कॉलेज गोइंग और स्कूल गोइंग और टीनेजर गर्ल्स हैं, तो जी हाँ, आज की वीडियो आप लोगों के लिए है बिल्कुल यूनिक और ट्रेंडी स्टाइल की। आज मैं पैंट्स के डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और ये कढ़ाई बहुत ही सिंपल है। आप अपनी सिंपल जीन्स की पैंट पे इसे खुद भी एम्ब्रॉयडरी कर सकती हैं और जी इसे बना सकती हैं बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को करते हैं एंजॉय, लेते हैं यहाँ से खूबसूरत से आइडियाज। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरी हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, घंटी के आइकॉन को तो ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी वीडियो इस तमाम वक्त पर और फ्री में देखने को मिलती रहे, क्योंकि मैं लेकर आती हूँ आपके लिए इसी तरह के यूनिक प्यारे से स्टाइलिश से डिज़ाइंस के आइडियाज। तो आज की वीडियो इसलिए भी स्पेशल है कि मेरी टीनेजर्स बहनें, कॉलेज गोइंग बहनें इस तरह की जीन्स पहनना बहुत ही पसंद करती हैं। और अगर जीन्स हो इस तरह की स्टाइलिश तो क्या कहने जनाब। हमने मगरबी स्टाइल को जी अपने मशरकी लुक दिया है और मशरकी लुक ऐसे कि हमने इस पे जीत कर की है बहुत ही खूबसूरत सी हाथ की कढ़ाई। और डिज़ाइन जी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आप अगर वीडियो को मुकम्मल वॉच करेंगे तो आपको बहुत ही यूनिक से आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। और अगर आप फैशन से, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड वीडियो वॉच करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट कीजिए। मैंने जी यहाँ पर आपके साथ शेयर की हुई हैं बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइंस के आइडियाज़। ड्रेस डिज़ाइनिंग से रिलेटेड तकरीबन हर टॉपिक को मैंने जी कवर किया हुआ है। तो आपको मेरे चैनल पर जाना पड़ेगा, विज़िट करना पड़ेगा। और जी अगर आप डेली बेसिस पे वीडियो वॉच करना चाहते हैं तो ज़रूर विज़िट कीजिए। तकरीबन शाम 6 बजे मेरी न्यू वीडियो आती है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको यहाँ पर स्टाइलिश से आइडियाज़ देखने को मिलते रहते हैं। और हाँ, वीडियो को फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया कीजिए, जो कि आप बहुत करते हैं मेरी वीडियोज़ को आजकल शेयर। और मुझे बहुत खुशी होती है कि ना सिर्फ आप खुद देखते हैं बल्कि इसे अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करते हैं, जो कि मुझे वाईटी स्टूडियो बता देता है, क्योंकि मेरी बहनें आजकल काफ़ी सारा प्यार दे रही हैं। तो मैं भी इनकी प्यार और मोहब्बत में बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश सी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ रही हूँ। तो आज की वीडियो इसलिए भी स्पेशल है कि इस तरह की वीडियो आपको YouTube पर बहुत कम देखने को मिलेंगी, और अगर मिलेंगी भी तो इतने खूबसूरत से आइडियाज़ के साथ नहीं होंगी, जो कि मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। आप इसे बिल्कुल सिंपल वाले थ्रेड से इन डिज़ाइंस को बना सकते हैं और ये डिज़ाइन भी इतने कोई मुश्किल नहीं है, हल्का सा काम है। लेकिन जी जब ये बन जाता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। बहुत कम टाइम में आप अपनी जीन्स को एक बहुत ही प्यारा सा लुक दे सकते हैं। जी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने इनको, अपनी पैंट्स को किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं। सुई धागे का कमाल होता है जी, और आपकी पैंट जो है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। और आप इस तरह के आइडियाज़ यहाँ से लेकर आप खुद भी जी बहुत सारे डिज़ाइंस क्रिएट कर सकती हैं। बस जी एक बार इंसान का माइंड जब खुल जाए, जब उसे आइडियाज़ मिल जाएं, तो खुद का खुद न्यू आइडियाज़ भी माइंड में आते रहते हैं। तो मैं भी इसी तरह करती हूँ कि जब मुझे कोई डिज़ाइन पसंद आता है तो मैं उसमें खुद से भी वेरिएशन करती रहती हूँ और बहुत सारे खूबसूरत से आइडियाज़ उनके साथ मिक्स करके जी खुद से भी डिज़ाइन क्रिएट कर लेती हूँ। तो मेरी बहनें भी जी बहुत सुगरमंद हैं और मुझे पता है कि वो मेरी वीडियोस बहुत पसंदीदगी की निगाह से देखती हैं।
अगर आपको यहाँ से आइडियाज पसंद आते हैं तो आप भी इन स्टाइल्स को फॉलो कीजिए, अपने फैशन में जी एक नई जिद्दत लाइए और स्टाइलिश जिंदगी गुजारिए, क्योंकि आजकल पहना हुआ सब देखते हैं। कहा जाता था पहले जमाने में कि पहना हुआ सब देखते हैं, तो लेकिन आजकल के दौर में जी पहना हुआ वाकई में बहुत आपकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट करता है। लोग आपको पसंदीदगी की निगाह से देखते हैं और अगर आपकी ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी तो लोग आपको ज़्यादा पसंद करेंगे। तो जी आप लोगों की शख्सियत में आपका लिबास जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है, तो इसीलिए आपके लिए मैं आप खूबसूरत खूबसूरत से डिज़ाइन लेकर आती रहती हूँ। तो आज की वीडियो इस हवाले से भी बहुत स्पेशल है कि जी ये पाकिस्तानी गर्ल्स के लिए बहुत एक न्यू ट्रेंड है, जो कि अगर आप इसे फॉलो करेंगी तो इंशाल्लाह आपकी सारी फ्रेंड्स, आपकी तमाम रिलेटिव्स आपके इस स्टाइल को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगी। तो जी यहाँ पाकिस्तान में अक्सर कॉलेज गोइंग और टीनेजर्स पैंट्स वगैरह पहनती हैं, तो ये डिज़ाइन उन्हीं के लिए हैं, क्योंकि हमारी हाउसवाइफ यहाँ ज़्यादातर इन ड्रेसेस को पसंद नहीं करती हैं पहनना। लेकिन आजकल ट्रेंड काफ़ी है कि यहाँ भी आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वेस्टर्न वेयर जो है वो काफ़ी पसंद करने लगे हैं, और मेरी बाहर रहने वाली बहनें भी इन स्टाइल को फॉलो करके जी बहुत ही खूबसूरत सा लुक क्रिएट कर सकती हैं। और आजकल जो मेरी बहनें हैं वो ख़ुद भी बहुत पसंद करती हैं कि वो अपने ड्रेसेस खुद ही डिज़ाइन करें। काफ़ी सारा ट्रेंड जी मैंने YouTube पे देखा है कि काफ़ी मॉडर्न और एजुकेटेड लड़कियां भी आजकल अपनी स्टिचिंग घर पे खुद कर रही होती हैं और अपने ड्रेस को खुद डिज़ाइन कर रही होती हैं। और जी अगर हम अपना ड्रेस खुद डिज़ाइन करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब लोग हमारी तारीफ़ करते हैं, हमारे मलबूसात को पसंद करते हैं, तो काफ़ी खुशी का एहसास होता है। तो आजकल काफ़ी सारा ट्रेंड जो है वो यूट्यूब पे मैंने देखा है कि गर्ल्स अपने ड्रेसेस को खुद डिज़ाइन करके खुद स्टिच कर रही होती हैं। पहले एक दौर हुआ करता था कि लोग जो है टेलर के पास जाते थे और कपड़े स्टिच करवाते थे, आजकल भी ये दौर है जी, काफ़ी सारे लोग टेलर से स्टिच करवाते हैं और इसे फ़ख्र का बाइस समझते हैं। लेकिन मेरी एजुकेटेड बहनें जो कि खुद डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड होती हैं, वो घर पर ही अपने ड्रेसेस को डिज़ाइन करती हैं, तो ये खूबसूरत आइडियाज़ जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। जो कि मेरी बहनें घर पे अपने ड्रेसेस को डिज़ाइन करना चाहती हैं तो ये वीडियोज़ उनके लिए हैं। आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल और यूज़फुल रहेगी। तो मैं दुआ करती हूँ हमेशा की तरह कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शाद रहें, आबाद रहें और जी बनाते रहें प्यारे प्यारे खूबसूरत से ड्रेसेस। अपनी दुआओं में अपनी बहन हलीमा खान को भी ज़रूर याद कीजिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।